हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितने ही सुंदर से पॉम पॉम फ्लावर्स बनाए हैं। इनको बनाना बहुत आसान है। इस तरह से आप बनाकर और किसी भी पॉट में डाल सकते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और जहाँ पर भी आप लगाओगे, वहाँ का एरिया है वो अट्रैक्टिव लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलिए इन पॉम पॉम फ्लावर्स को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुलन, जितनी भी बुलन थी उसके हिसाब से बनाए हैं। मेरे पास जो कम बुलन थी उनसे मैंने छोटे बनाए हैं, जो ज़्यादा बुलन थी उनसे बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आपको जैसे भी बनाने हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस तरह के बुलन के छोटे छोटे लच्छियों की हेल्प से और इनकी हेल्प से आज हम बहुत ही सुंदर सा फ्लावर्स बनाएंगे और आज हम इससे घर को डेकोरेट करेंगे। तो इसे बनाना बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पर कुछ वायर ले लिए हैं, जितने भी मुझे फ्लावर्स बनाने हैं उस हिसाब से। और एक मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड ले लिया है, कार्डबोर्ड का पीस ले लिया है। तो अब हम कोई भी कलर का एक बुलन ले लेंगे और इस पर हमें रैप करना है। जितना भी बड़ा आपको पॉम पॉम बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर ये कार्डबोर्ड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पर 100 बार इस पर रैप कर लेती हूँ। 100 बार रैप करना है। अगर आप थोड़ा छोटा पॉम पॉम बनाना चाहते हैं तो आप कार्डबोर्ड है उसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारा 100 बार हो गया है। तो अब हम इसे कार्डबोर्ड से निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब हम इसे बांध लेंगे। तो इसे टाइट खींचते हुए हमें बांधना है। तो इस तरह से बांध लिया है। अब जो भी ये बुलन है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब हम एक कॉम लेंगे और कॉम की हेल्प से इस तरह से हम देखिए इस तरीके का हमने एक पॉम पॉम बना लिया है। आप इससे छोटा भी बना सकते हैं और थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर दिया है। तो ये देखिए, हमारा एकदम बहुत ही स्मूथ सा पॉम पॉम बनकर तैयार हो गया है। हम इसी तरीके का बनाना है। अगर आप और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग और कर दें, उसके बाद आप इसे बना लें। इसी तरीके से हम और भी पॉम पॉम बनाकर तैयार कर लेंगे इसी तरीके के। तो इस तरह का पॉम पॉम हम और बना लेंगे। तो फिर से हम कार्डबोर्ड लेंगे और उससे ही हमें पॉम पॉम को बनाना है। जिस तरीके से अभी हमने बुलन को रैप किया है उसी तरीके से रैप करेंगे और जितने भी बनाने हैं इसी तरीके से बनाने हैं। अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है, वैसे तो हर किसी के पास होता है, अगर नहीं है आपके पास कोई टुकड़ा नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प भी ले सकते हैं। चारों फिंगर को आप इस तरीके से रखें और इस पर बुलन को रैप कर लें। तो मैं इसी तरीके से सारे पॉम पॉम बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर फ्लावर्स बना लिए हैं। तो कुछ छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बना लिए हैं। जिस तरीके के बुलन थी कुछ छोटे गोले थे तो उनमें से छोटे बन गए हैं, कुछ बड़े गोले थे उनमें से बड़े बन गए हैं। तो अब हम यहाँ पर वायर लेंगे। वायर
आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पे आराम से मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। तो अब हम इस तरीके से बुलन को लेंगे और इस तरह से हम बुलन को रैप कर लेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से नोट कर लिया है। तो इसी तरीके से हमें सभी डंडियों को रैप करना है। तो अब हम, आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ से इसके अंदर से, ये देखिए, इस तरह से पहले वायर को निकाल लें अगर आपके पास ग्लू नहीं है। मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज करूँगी। इस तरीके से आप वायर को निकाल लें और इस तरह से थोड़ा सा इसे फोल्ड कर दें इस तरीके से। तो ये आराम से इसके अंदर हो जाएगा, ये देखिए, और ये बिल्कुल निकलेगा भी नहीं। ये देखिए हमारा फ्लास इसके अंदर लग गया है। और अब हम बुलन को इसके ऊपर रैप कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे पहले इस बुलन को रैप कर लें डंडी के ऊपर, यानी कि जो वायर है उसके ऊपर, उसके बाद आप इसे चिपका लें। बहुत आसानी से हो जाता है, ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो भी आपको एक्स्ट्रा बुलन दिखे उसे आप तुरंत कट कर दें। तो ये देखिए हमारी एक डंडी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप पहले ग्लू लगाएं इस तरह से, और आपने जो वायर तैयार किया है उसे आप इस तरीके से वायर को लगा दें। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा पॉम्पम बनकर तैयार है, यानी कि फ्लावर्स बनकर तैयार है। इस तरीके से दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो अब मैं सभी को इसी तरीके से कर लेती हूँ। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। अगर आपके पास ग्लू गन हो तो आप ग्लू गन का यूज करें, नहीं हो तो आप इसका यूज कर लें। जिस तरीके से मैंने अभी वायर को इसके पॉम्पम के अंदर डाला है उस तरीके से। तो मैं यहाँ पर सभी इनको बनाकर तैयार कर लेती हूँ डंडियों के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे फ्लावर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। इस तरीके से लगाएंगे जब हम इनका एक पंच बनाकर, तो हमारा जो पॉट है, ढाका एरिया है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। ये देखिए हमारे फ्लावर्स बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने यहाँ पर कुछ छोटे और कुछ बड़े बनाए हुए हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।